नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलामुअलैकुम, नई सुबह के ऑडियो प्रोडक्शन के कोर्स के साथ मैं हूं अली खान करीम। और आज के इस लेसन में हम कोल्ड वेव के एडिट मेन्यू से कुछ कमांड सप्लाई करेंगे और प्रैक्टिकली एडिटिंग का आगाज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गोल्ड वेव में हम एक नई फाइल लेते हैं और उसमें रिकॉर्डिंग करते हैं जिसमें हम एडिटिंग अप्लाई करेंगे। सो कंट्रोल एंड प्रेस करके मैंने नई फाइल ले ली और अब हम इसमें नई रिकॉर्डिंग करेंगे, जिसके लिए कंट्रोल F9 मैं प्रेस करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिकॉर्डिंग एंड। स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग की जिसमें जानबूझ के गला खंगाला और खांसी भी की, ताकि हम इसको रिमूव कर सकें, एडिट कर सकें। तो आइए इस रिकॉर्डिंग को प्ले करते हैं। The total playing time is 24.73 button. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ये थी हमारी रिकॉर्डिंग और अब हम इसमें मुख्तलिफ कमांड सप्लाई करेंगे, खास तौर पे खांसी और जो मैंने गला कंघाला है उसको रिमूव करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं जॉस की स्पीच ऑफ कर दूंगा, ताकि हम एडिटिंग के दरमियान ज़्यादा फोकस कर सकें। इंसर्ट स्पेस और एस से मैंने जॉस की स्पीच ऑफ कर दी। तो आइए फाइल को प्ले करते हैं। आपने देखा सबसे पहले जब फाइल शुरू हो रही है तो जॉस की आवाज़ आ रही है, तो इसको सबसे पहले हम रिमूव करते हैं। यहाँ पे मैं फिनिश मार्कर लगाऊंगा और अब मैं डिलीट प्रेस करूंगा। एक बार फिर फाइल को प्ले करते हैं। 1, 2, 3 आपने देखा कि जॉस की जो आवाज थी शुरू में वो वहां से रिमूव हो गई। अब मैं फाइल सुनने के साथ साथ स्टार्ट मार्कर प्रेस करता रहूंगा, ताकि अगर मुझसे मतलूबा पॉइंट जिसको मैंने रिमूव करना है वो मिस आउट हो जाए तो मुझे पूरी फाइल दोबारा ना सुननी पड़े। ये वो वाला हिस्सा है जिसको हमें रिमूव करना है, तो मैंने स्टार्ट मार्कर पहले ही लगा दिया था और अब मैं यहाँ पर फिनिश मार्कर लगा देता हूँ। तो अब मैं कंट्रोल राइट ब्रैकेट से चेक करूँगा कि जो हिस्सा हमने सिलेक्ट किया है उसके बाद क्या ऑडियो में बाकी बचा है। 4, 5 तो आपने देखा कि जो हिस्सा हमने काटना था उसके बाद काउंटिंग बिल्कुल सही अंदाज में आगे चल रही है और एक और गलती फिर हमारे सामने आ रही है। तो अब मैं चेक करता हूँ शिफ्ट और स्टार्ट मार्कर प्रेस करके कि जो ऑडियो हमने सेलेक्ट की है उससे 3 सेकंड पहले की ऑडियो में क्या है, ताकि हमें बेहतर अंदाज में अंदाजा हो सके। 2, 3 सो यहाँ पे भी आपने देखा कि जो हिस्सा हमें काटना था उस पर हमने मार्कर बिल्कुल सही अंदाज में लगाया है। अब मैं सिलेक्टेड ऑडियो यानी स्टार्ट मार्कर और फिनिश मार्कर के दरमियान की जो ऑडियो है उसको प्ले करता हूँ। स्पेस बार प्रेस करूंगा। तो आपने देखा कि जिस हिस्से को हमें काटना है वो बिल्कुल सही सिलेक्टेड है, तो अब मैं इसको डिलीट प्रेस करके यहाँ से रिमूव कर दूंगा। अब अगेन कंट्रोल ए प्रेस करूंगा और देखूंगा फाइल प्ले करके कि जो हिस्सा हमने रिमूव किया है क्या वो रिमूव हो चुका है। 1, 2, 3, 4 जी हाँ, आपने देखा कि वो हिस्सा रिमूव हो चुका है। तो अब हम फाइल में मौजूद दूसरी गलती को सही करते हैं, यानी कि रिमूव करते हैं।
फाइव के बाद मैं स्टार्ट मार्कर लगा रहा हूँ और अब मैं फिनिश मार्कर लगाऊंगा और अगेन मैं चेक करूंगा कि मैंने सही जगह पे मार्कर्स फिट किए हैं। तो उसके लिए सिलेक्टेड ऑडियो से 3 सेकंड की पीछे की ऑडियो के लिए शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट 4 5 और सिलेक्टेड ऑडियो से आगे की ऑडियो प्ले करने के लिए कंट्रोल राइट ब्रैकेट 6 7 8 और अब मैं सिलेक्टेड एरिया को प्ले करूंगा स्पेस बार से। ठीक है, तो हमने देखा कि खांसी जो मैंने सिलेक्ट की है वो वापस सिलेक्ट हुई भी है। अब मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा। अगेन कंट्रोल ए प्रेस करूंगा और फाइल को प्ले करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Recording end. 1 2 तो आपने देखा कि मतलूबा फाइल में से जो हमें चीजें रिमूव करनी थी, यानी कि एक जगह पे खांसी और एक जगह गले की कंघालने की आवाज, उसको हमने रिमूव कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके बाद हमने बोला है रिकॉर्डिंग एंड, तो हम उसको भी रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे मैं स्टार्ट मार्कर दबाऊंगा और फिनिश मार्कर ऑलरेडी अपनी जगह पे मौजूद है, यानी कि एंड पे मौजूद है, तो वो डिलीट कर देगा। अब फाइल को प्ले करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 तो इसी के साथ हमारी इस काउंटिंग की एडिटिंग कंप्लीट हुई। जस्ट इन केस अगर आपको मार्कर्स की पोजीशन नहीं पता या आप मैन्युअली मार्कर्स को फाइल के शुरू में और एंड में पेस्ट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट एंड से आपका फिनिश मार्कर फाइल के आखिर में चला जाएगा और कंट्रोल शिफ्ट होम से आपका स्टार्ट मार्कर फाइल के शुरू में आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का लेसन अपने अख्तिताम पे पहुंचा। अगले लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।